आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब सस्ते हुए हैं रिचार्ज, अब कम कीमत में मिलेगा ढेर सारा इंटरनेट। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गूगल मैप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं होगा कोई भी कंफ्यूजन, गूगल लेकर आया है नया फीचर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े कुछ नियम, आपकी जेब पर अब सीधा होगा असर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है LPG उपभोक्ताओं के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े कुछ नियम, आपकी जेब पर अब सीधा होगा असर। देखते देखते जो अब अगस्त महीना जो अब शुरू होने वाला है, ये महीना जो है वित्तीय तौर पर बहुत जरूरी है। इस महीने की पहली तारीख से कई फाइनेंशियल रूल्स जो है बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को जो है LPG सिलेंडर के दाम अपडेट होते हैं, इनकी कीमतों में जो है यहाँ पर अपडेट जो है वो कंपनियाँ करती है। इसके अलावा जो है 1 तारीख से जो है अगर आपके पास यहाँ पर जो पैसों से जुड़े लेन देन की अगर बात करें, तो अगर आपके पास HDFC बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है, तो आपको बता दें कि 1 अगस्त से आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम जो है बदल रहे हैं। नए नियमों के अनुसार अगर यूजर्स थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप या फिर क्रेडिट पेटीएम या फिर क्विक और इसके अलावा MobiKwik और फ्रीचार्ज के जरिए अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते, तो उन्हें 1% चार्ज जो है वो देना होगा। तो HDFC बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर आप पैसों से लेन देन अगर करते हैं HDFC बैंक के कार्ड से, तो आपको जो है 1% ज़्यादा चार्ज देना होगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल मैप लाया है सबसे जरूरी फीचर, अब फ्लाईओवर पर नहीं होगी कोई भी कन्फ्यूजन। गूगल मैप ने आखिरकार भारतीय यूजर्स की मांग को पूरा कर दिया है। दरअसल जिसका इंतजार जो है भारतीय यूजर्स से लंबे वक्त से कर रहे थे। दरअसल गूगल मैप की ओर से फ्लाईओवर कटआउट फीचर जो है भारत में रोल आउट कर दिया गया। इस फीचर को गूगल मैप के 40 शहरों के अंदर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे जल्दी जो है बाकी शहरों के यूजर्स को जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस फीचर को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। उम्मीद है कि iOS यूजर्स के लिए भी इस फीचर को बहुत जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा गूगल की ओर से नोरो रोड फीचर को भी पेश किया गया, जो 4 पहिया वाहनों को पतले रास्तों पर जाने से रोकने में मदद करेगा। दरअसल अक्सर यूजर्स इस सुविधा यहाँ पर मतलब इस दुविधा में रहते हैं कि उन्हें सर्विस रोड लेनी चाहिए या फिर फ्लाई ओवर लेना चाहिए, तो गूगल मैप इस कन्फ्यूजन को जो है अब दूर करेगा। गूगल के मानते उनके पास फ्लाई ओवर गाइडेंस से लेकर जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है मिल रही थी। ऐसे में कंपनी ने फ्लाई ओवर कटआउट फीचर को जो है नेविगेशन के लिए इंटीग्रेट कर दिया है, जो यूजर्स को अपकमिंग फ्लाई ओवर और रूट की जानकारी जो है देगा। ये फीचर एंड्रॉयड मैप और एंड्रॉयड ऑटो के लिए जो है उपलब्ध होगा। वही गूगल की ओर से इंडियन रोड के लिए एक AI मॉडल भी बनाया गया है, जो सड़क की चौड़ाई और लंबाई का अनुमान लगाता है। साथ ही रोड की इमेज के लिए जो है सैटेलाइट का यूज जो है इसमें किया जाएगा। इसमें सड़क टाइप और बिल्डिंग और रोड की जानकारी समय पर मिलेगी। गूगल के लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन के साथ साझेदारी जो है वो गूगल कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में गूगल मैप पर चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी जो है आपको दी जाएगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, दहीहंडी के गोविंदाओं को 10 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा देगी सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने दहीहंडी उत्सव के लिए गोविंदाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दहीहंडी के दिन मानव पिरामिड बनाते समय हादसा अथवा दुर्घटनाओं में गोविंदाओं की मौत पर सरकार 10 लाख रुपए का बीमा राशि देगी। वह दोनों अथवा दोनों आंखें गंवाने वाले गोविंदाओं को 10 लाख रुपए की बीमा कवर मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के खेल विभाग ने संबंध में आशा जो मत आदेश जो है वो जारी कर दिया है। वह सरकार ने बताया कि राज्य में 75,000 गोविंदाओं का जो है बीमा कराया जाएगा। साथ ही बताया गया कि दहीहंडी में एक हाथ या फिर एक पैर अथवा यहाँ पर एक आंख गंवाने पर 5 लाख रुपए का बीमा राशि देगी सरकार। इसके अलावा हादसे में इलाज के लिए गोविंदाओं को अधिकतम 1 लाख रुपए की मदद जो है मिल सकेगी। बताया आपको कि दहीहंडी उत्सव 27 अगस्त को जो है मनाया जाएगा। इस दिन महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में दहीहंडी उत्सव का आयोजन होगा। इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग जो है हिस्सा लेते हैं। फिल्मी सेलिब्रिटी और नेता लोग जो भी दहीहंडी उत्सव का उद्घाटन जो है वो करते हैं। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब आपके किचन में मिलेगा आपको भूटान का आलू, बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार करेगी इंपोर्ट। महंगाई के पीछ पर वैसे तो जो है दालें और हरी सब्जियां उछाल कर रही है, अब आम आदमी के लिए किचन का सबसे बड़ा जो यहाँ पर मतलब बजट जो है वो बिगड़ रहा है। दरअसल आलू, प्याज और टमाटर के दाम जो है ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार मास्टर प्लान बनाए। जल्दी सरकार आपके किचन में भूटान के आलू जो है वो बेचने वाली है।
दरअसल आलू की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार पड़ोसी देश भूटान से आयात बढ़ा सकती है, जिससे आलू की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और लोगों को सस्ते में आलू जो है वो मिलेगा। वही टीके की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को लग रहा है कि देश में आलू की कम उत्पादन के कारण कीमतें जो है तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार कीमतों में नरमी लाने के लिए विभिन्न उपायों पर गौर कर रही है। रिपोर्ट में के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पर बताया कि सरकार पड़ोसी देश भूटान से आलू मंगाने को मंजूरी दे सकती है, अन्य देशों से भी जो है आलू आयात करने पर विचार किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी देखिए। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब सस्ते हुए हैं रिचार्ज, अब कम कीमत में मिलेगा ज्यादा डेटा। जियो यूजर्स के लिए जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, इसमें जो है रिचार्ज जो है जियो यूजर्स के जो है अब सस्ते होने वाले हैं और कम कीमत में ज्यादा डेटा जो है जियो यूजर्स को जो है आगामी दिनों में मिलने वाला है। यानी आगामी दिनों में जियो यूजर्स को जो है सस्ता डेटा जो है वो मिलेगा। दरअसल बात यह है कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की ओर से इसके प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में इस महीने शुरुआत में बदलाव किए गए। अगर आप सस्ते में ढेर सारे फायदे लेने के रिचार्ज प्लान की तलाश में हैं तो आपको कम यहाँ पर आपका काम जो है वो आसान बनाने जा रहे हैं। दरअसल कंपनी की ओर से कई मंथली प्लान ऑफर कर रहे हैं जिनमें ढेर सारा डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। हम ऐसे दो प्लान की तुलना आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं जिससे 100 रुपये से ज़्यादा की बचत की जा सके। दरअसल रिलायंस जियो यूज़ अगर सस्ते प्लान रिचार्ज कराना चाहता है तो उन्हें कोई प्लान का विकल्प मतलब कई प्लानों का विकल्प मिलता है। अगर आप डेली डेटा का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको 209 रुपये से ही शुरू होता है। वही कंपनी एक फ्रीडम प्लान भी लेकर आ रही है जिसमें डेली डेटा लिमिट जो है इसमें छूट मिल जाती है। कई यूज़ जियो का फ्रीडम प्लान का चुनाव करना चाहेंगे, इस 106 रुपये में कम से ज़्यादा जो है आपको डाटा का फायदा मिल जाएगा। दरअसल रिलायंस जियो की ओर से ऊपर किया जा रहा है इकलौता फ्रीडम प्लान 355 रुपये का है। इसमें पूरे 30 दिन की वैलिडिटी आती है। इस प्लान में कुल 25 GB डेटा मिलता है और कई डेली डेटा लिमिट जो है इसमें नहीं लागू होती है। सभी नेटवर्क पर लिमिटेड कॉल के अलावा जो है रोज 100 SMS भेजने का विकल्प इसमें दिया जाता है। जियो सिनेमा, जियो क्लाउड एप्स का एक्सेस फ्री में इसमें मिलता है। अगर आप 106 रुपये से कम का रिचार्ज करते हुए 249 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो उनमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। ये प्लान 1 GB डेटा पर डे जो है ऑफर करता है, तो इसमें ये प्लान आप ले सकते हैं। तो जो जियो के जो यहाँ पर लोग जो है उनके लिए यहाँ पर जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनके लिए जो ये डाटा प्लान जो है वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। और रिचार्ज वगैरह अगर वो करना चाहते हैं तो इसके जो लिए डाटा ज़्यादा जो मतलब डेटा का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा यहाँ पर इसमें कर पाएंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है जियो इसके लिए निकल के आ रही है। इसमें कुछ ऐसे रिचार्ज है जिसमें आपको सस्ते में जो है डेटा मिलेगा और डेली डेटा लिमिट भी जो है इसमें आपको मिलेगी। वीडियो अब आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि खबरें जो है आपको रोजाना मिलती रहे। रोजाना खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें।